बदले में गुर का नाम वही पावे अचल राम। गुर का नाम जपो दिन रात अंत में देवे वही स्वाद। गुर बिन प्यारे करे ना दूजा और चाहे बस सेवा पूजा। गुर बिन प्यार न कोई पावे हरे हरे कोई पास ना आवे। हरे तो कर्म जाल में डाले सतगुर कर्म नष्ट कर डाले। हर देता दोषों के मार सतगुर नाम कृष्ण की गुर के सेवा हुए समत सेवा का मेवा। जो गुर सेवा को तैयार उसका जिस पर कृपा गुरु के होए उसको कभी रहे ना कोई। क्षमा शील शक्ति भंडार अपने जन को दे उपहार। तेरा दर्श करे बड़ भागी जिसको लगन हरि से लागे। नाम जहाज तेरा सुखदार राम कर अगम सुगम तो राम राम के मोहन दास सुन प्रेम भक्ति विस्तार। राम राम हृदय में आकर कर दाता उपदेश। राम राम अब मोहन दास को काटो सभी करे। राम राम ने तारो सब जग प्रगट वही अवतार। राम राम हे मोहन दास का अनुभव अब रंग का। राम राम गुण सदर चंदन देव भक्ति रस रूप। राम राम हे मोहन दास जब अद्भुत अधिक अनुभव। गुरुपद पंच कृपा सिंधु नर रूप श्लोक नकल के मैं बंदो हूँ गुरुपद पंच कृपा सिंधु नर रूप हरि से इसलिए शुरू किया मैंने कि माता पिता से परम गुरु कोई नहीं होता। प्रथम गुरु माँ
द्वितीय गुरु पिता, तृतीय गुरु शिक्षा गुरु और चतुर्थ गुरु होता है आपका दीक्षा गुरु। तो आज हम जो यहाँ श्री तिलक राज जी के प्रयाण के अवसर पर यहाँ एकत्रित हुए हैं, तो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि श्री तिलक राज जी कहीं नहीं गए। जीवन जैसे उत्सव होता है वैसे ही मृत्यु महोत्सव होती है। हमारे आंखों की जो चार पलके हैं वो हमारे गोविंद का गाइड है, और जब एक संत, एक भक्त, एक माता, एक पिता, क्योंकि इनसे बड़ा गृहस्थ में माता पिता से बड़ा कोई संत नहीं हो सकता, तो उस चारपाई पर जब गोविंद आके विश्राम करते हैं तो एयर कंडीशन भी चाहिए। एयर कंडीशन होता है हमारे थकती आंखों का गीला होना। जब आंखें गीली हो जाती है ठाकुर के चिंतन में, वो मेरे गोविंद का एयर कंडीशन होता है। और जब नींद नहीं आती है तब जो म्यूजिक होता है वो होता है नाम, क्योंकि अंत समय में जब हम सोचते हैं कि उनका प्रयाण हो गया, वो जाने वाले हैं, तो पूरा परिवार, पूरा समाज बैठ के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करके जो संकीर्तन करते हैं वही ठाकुर का म्यूजिक होता है। तो बोलिए राजा राम चंद्र महाराज, अभी अभी आदरणीय स्वामी जी से बहुत ही सुंदर बात सुन रहे थे। जहाँ पर प्यार है वहाँ पर कोई भी बाहरी ताकत किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ये बिल्कुल सही बात है। तो मैं अपनी तरफ से, आप सबकी तरफ से, और ये वरिष्ठ भाजपा नेता राजेश शर्मा मिंटू, जिला कांग्रेस कमेटी के उपप्रधान विपिन विनायक, बाबा महाकाल सेवा संघ के प्रमुख सेवक अनिल सोनी जी, और पंजाब केसरी के विजय मल्होत्रा जी, उनकी तरफ से भी शोक संदेश आया है। वक्त पे वक्त अपने जब छोड़ जाते हैं, दिल में दर्द, आंखों में आंसू छोड़ जाते हैं, बड़ा मुश्किल होता है उनके बिना जीना। फिर भी हम यादों के सहारे जिए जाते हैं। भक्ति स्वरूपा, भगवती स्वरूपा गुरुमा सोमादेव जी महाराज, साधु समाज, आचार्यगण और गरुड़ पुराण जी के सम्मुख विराजमान आज के वैराग में अवसर पे उपस्थित सभी भाई और बहनों, हम एकत्र हुए श्री तिलकराज जी।
ऐसे कोई मतलब नहीं। Thank you.
सामने भी कुछ पुस्तक हाथ में गुरु चालीसा सर्वप्रथम गुरु चालीसा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु कोई भी महिमा बड़ी मां और
समान जितने बड़े बड़े अवतार बने सदा जुले में गुरु का नाम वही पावे अचल राम गुरु का नाम जपो दिन रात अंत में देवे वही स्वाद गुरु बिन प्यार करे ना दूजा और चाहे बस सेवा पूजा गुरु बिन प्यार न कोई पावे हर हर कोई पास ना आवे हर तो कर्म जाल में डाले सतगुर कर्म कष्ट कर डाले हर के का दोषों के मार सतगुर दोष हरे पर प्यार गुर हर से भी पर उपकार जाऊं बार बार बलिहारी राम कृष्ण की गुर के सेवा तुवे समत सेवा का मेवा जो गुर सेवा को तैयार उसका मेरा भविष्य पर गुर सेवा सम कोई न था करे जो हृदय पे गिरा जो जन जान तुम्हारा लावे तुरंत ही मनवांछित बन पावे प्रेम भक्ति से जो कोई गावे दुख दरिद्र निकल नहीं आवे जिस पर कृपा गुरु के होए उसको कभी रहे ना कोई क्षमा शील शक्ति भंडार अपने जन को ले रोहार तेरा दर्स करे बड़ भागी जिसको लगन हरी से लागे नाम जहाज तेरा सुखदाय चढ़े आगे तेरी शरण गुर को भजे राम को पावे कृपा कर स्वरूप दिखावे सतगुरु दीन दयाल मैं करुणामय करताल परम पुरुष पावन परम देव तीर्थ क्या श्री राम जय जय राम करो कल्याण जय गुरु जय गुरु नाम के प्रताप नंद सब संत सोई नाम वास रघुवास लगो मोहन दा सोई नाम सार देव विपले श्री नमस्कार गुरु चरण पर हम सुख जन्म प्रकट घर आन बड़ा भाग बोल यह धरती पर फूल भई स्वर्ग हरस सब देव पुकार उमंग हसित रंग संग परिपूरण सुर नर मुनि गुण मेघ उचार तन मन गुण संग भक्त जन मोहन दास कर ध्यान जाति वर्ण कुल कोट नाम तज मान बड़ाई उपजे बिन से देह समत देखो मन वाच पचीसो देह तीन गुण संग में आई मोहन दास उत्पात करत घट घट में जाई प्रगट भई सांकी जग तारा राम के सुमुख करो पुचार अजर अमर मुरली धर गिर दामोदर धरणी धर रघुवर परम दयाल गोपाल मनोहर ओम हरि हर मन मन का
Thank you.
साधु संत जह हर गमे आवत राम राम नत सिख परवार परम पुरुष की पागमे आवत राम राम सत संग मन लाए ज्ञान भजन जा छूटे नाही राम राम तन मन नित धरे सतगुर सन के संग जगहि राम राम परमारथ माहि कवन पुन सारा से नाही राम लगायो तर अभिमान मरण फिर आयो राम राम के कावड़ चरना मोहन दाम सभी मत करना राम राम जग भोग जावे कायर कुटिल समझ नहीं पाए राम राम आगे पद आवे धर्म जापे साच कावे राम राम माया उपजावे जोड़ तोड़ सृष्टि विनिशावे राम राम काले सिर सारे धरती पाप मान कहे राम राम माया सब आई योजन प्रास त्रोड़ संसारी राम राम हृदय करवासा मोहन दास की ना कोई आशा राम राम है सृजन हारा जैसे बर्तन गड़े कुमारा राम राम सर के मत जानो धरती का मोहन दास है नाई राम राम अमर रस रान अवे अमर भर साथ राम राम सुमिरन कर मोहन जई राग मन माही राम राम बिन मोहन दास कुछ और बिगत है नाई राम राम युक्ति बन भक्ति मुक्ति के दर आस राम राम पूजा सदा तो मोहन दास राम राम जी राम रूप गुण सकल जगों में जाने राम राम जिस दिन है दर्शन मोहन दास कर जाने राम राम जी बिन सुसानी कोड़े कान बन रस विचारी राम राम अंग संग प्रभु ऐसे चंदन निकटन गौरे कैसे राम राम पुरुषोत्तम नामा अमर लोक निर्जनिक नामा राम राम महिमा सुन भाई चरण वंदना कर बल जाई राम राम परम गुण गावे मोहन दास परम बल पावे राम राम अमरत रस वाणी आनंद मगन भया मन पावे राम राम गुण युग गुण गावे अर्घ देत मोति मोर पावे राम राम नित पढ़े सुनावे नेम सहित विद ध्यान लगावे राम राम करहु जल करनी बिन कोए उपजे नहीं करनी राम राम के जाकर चरना धूड़ कपड़ तज कर ले सरना राम राम जिनके लव लागे गुरुमुख वही सेवक बन भागे राम राम अनहद सुन लीजे प्रेम भाव में निर्भर दीजे राम राम सुंदर हर रासन अनगिनत आस पास हर दासन राम राम जप कर मुस्काए अब चल लोक बसे वही जाए राम राम तिमुन दर्शन देखा उनका रहा नयम से देखा राम राम है आदि अनादि मोहन दास है समाधि राम राम पर गुण गुण कीनो सरासर निराकर कीनो राम राम धर माया जानी आसर जीव ज्ञानी राम राम है परम सनातन तसो दिशा विया राम दास ने सर समोय राम राम जन दया तन मन आडोल राम राम के समय बीत गया मोहन दास अनमोल राम राम बिन चिंतन जोड़ा मन में विलास राम राम बिन मोहन दास
राम राम नाम जल में धामा पेट ब्रह्मांड अगम में राम राम जिनकी मनोची सर्व स्वरूपी माया सूची राम राम बेहद मेरंता आदि पुरुष पूजत भगवंता राम राम है देव धन गर्भ विराट राम राम जिन मोहन दास सीता जग सुहा मोहन दास मन आरति भाती पार ब्रह्म पर दान ज्ञान गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश ताव अनेक भय जो आदि मध्य कोई अंत न पावे कल कल व्यापक सब घट स्वामी कहा गुण जाने मोहन दास विश्वास यही एक चरण वंदना कर बल गावे राम राम रम रूप न काया राम राम अद्भुत जल सोए आदि अंत मध्य नहीं जोए राम राम त्रिगुण से लागे बुद्धि विचार सके सब जागे राम राम लगे मोहन बखाने ज्ञान ज्ञान पहुँचे नहीं जाने राम राम आकार न पायो निर्विकार निर्लेप पायो राम राम अवनिज गुण माई गोच प्रकट कुछ दीकत नाई राम राम विधि ज्ञान न जाने अब अहंकार लगा दि बताने राम राम पूरण मनवंतर एक अनेक वेद मनवंतर राम राम रचना रति सुंदर कर विस्तार वसे सब यंत्र राम राम धरती पर लाए मोहन दास क्या ध्यान लगाए राम राम काया में जाने भवन नाथ मारू पहचान राती व्याकुल तड़पन सागर छावे प्रेम नयन तब के जब आंसु गज गज कंठ दुख कैन न पावे प्रेम हरि रस अमृत वाणी मोहन दास प्रीति कर गावे प्रेम कथा सब पर हृदय सुख समझ देख मन में लो लाई प्रेम ही अग्नि जल बिरहण मुझे नहीं गिर दर्शन पाई प्रेम का ज्ञान राम राम मनवंतर प्रगटे धनवंतर भगवान राम राम अद्भुत रचिवान मोहन दास महान राम राम रचि लौ सुंदर अनुज लग लौ भाव राम राम हरि त्रिगुण सरगुण मोहन दास बन जावे राम राम निसार एकता केता पुरंदर पुरात
जिनकी प्रार्थना सभा में एकत्रित हो रहे मल्होत्रा परिवार के साथ माताओं भाई व बहनों, ये जगत, ये संसार, ये दुनिया इसी का ही नाम है, जहां हर एक आने वाले को एक दिन जाना पड़ता है। इस दुनिया का, सृष्टि का विधान है जो कि आज तक ना बदला है ना बदलेगा। जो आया है वो जाएगा, जो मिला है वो बिछड़ेगा। तो आना ही एक जाने की निशानी है और मिलना ही एक बिछड़ने का इशारा है। तो अभी अभी आप स्वामी जी महाराज जी के दरबार से आए भक्त जनों के मुखारविंद से गुरु महाराज की जो महिमा है वो आप सब मिलकर के गा रहे थे। गुरु महिमा इतनी है हमारे ग्रंथों में जिसका कोई पार आज तक नहीं पा सका। माननीय मल्होत्रा परिवार ने इन्हीं बाबा मोहनदास जी के चरणों में जब इनको जगह मिली, कृपा हुई गुरुजनों की, याद रखो सारी उम्र लगा लो अगर गुरु महाराज को इंसान मानते रहोगे, इंसान जानते रहोगे, तो आप दुनिया वालों का कुछ नहीं होने वाला। वेद कहते हैं गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु साक्षात महेश्वरा। इतनी बड़ी उपाधि वेदों में ऋषियों ने गुरु जनों के स्वरूप के प्रति महिमा जो है गाई गई है। तो जैसे ही शरण मिली मल्होत्रा परिवार को, ऐसा परिवार, ऐसे पिता की संतान जो के ईमानदार, जानदार और शानदार। माननीय श्री तिलकराज जी मल्होत्रा जी का जीवन ईमानदारी की कोई मिसाल नहीं, कोई किसी से ईमानदार, जानदार और शानदार उनका जीवन, जिनके जीवन से आप सभी वाकिफ हैं। पिता श्री जी ने अपने बच्चों को मेहनत क्या है, कर्मठता क्या है, ये अपने जीवन के अंदर की और बच्चों ने भी इसको अपने जीवन में उतारा। आज गुरु जनों की कृपा, माता पिता का आशीर्वाद चमक रहा है परिवार के, लुधियाना में, पंजाब में नहीं, सारे हिंदुस्तान में। इनका नाम, ये किसकी देन है? माता पिता का आशीर्वाद जो अभी आप गुरुजनों की महिमा का गान करते और भी प्राप्त कर रहे थे। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं कि ऐसे महानुभाव जिनको आज हम मल्होत्रा परिवार के साथ विदाई देने के लिए यहाँ नव दुर्गा मंदिर भगवती महारानी के चरणों में यहाँ एकत्रित हो रहे हैं, क्या पड़ेगा उस आत्मा को? शरीर का नाश हुआ है लेकिन
आत्मा का नाश ना हुआ है ना होगा। आत्मा क्या है? सत्व चित्त आनंद रूप है, जो पहले भी थी अब भी है, और हम उस आत्मा के प्रति आप सब मिलकर के कहेंगे मान्यवर तिलकराज जी मल्होत्रा जी को के पूंजी राम नाम की पाए पास साथ नाम ले जाए नाश जन्म मरण का खटका नाश जन्म मरण का खटका राम भक्त नहीं रह कहीं अटका। नाम जो है एक जहाज है। राधे राधे बंदा हूँ गुरुपद पंज कृपा सिंधु नर दूर श्लोक न बोलते मैं बंद हूँ गुरुपद पंज कृपा सिंधु नर दूर हरी से इसलिए शुरू किया मैंने कि माता पिता से बड़ा गुरु कोई नहीं होता। प्रथम गुरु माँ, द्वितीय गुरु पिता, तृतीय गुरु शिक्षा गुरु और चतुर्थ गुरु होता है आपका दीक्षा गुरु। तो आज हम जो यहाँ श्री तिलकराज जी के प्रयाण के अवसर पर यहाँ एकत्रित हुए हैं तो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि श्री तिलकराज जी कहीं नहीं गए। जीवन जैसे उत्सव होता है वैसे ही मृत्यु महोत्सव होती है। हम लोग सब अपने अपने घरों में विश्राम कहाँ करते हैं? अपने बेडरूम में बैठ के ऊपर इस समय जैसे इतनी गर्मी पड़ी हुई है एयर कंडीशन भी चाहिए और अगर रात में नींद नहीं आए तो थोड़ा सा म्यूजिक भी हमको जरूरत होती है। वैसे ही हमारे ठाकुर श्री राधा रमण जी को एक बेड चाहिए एयर कंडीशन चाहिए और म्यूजिक भी चाहिए। तो हमारे ठाकुर का बेड क्या है? हमारे आंखों की जो चार पलके हैं वो हमारे गोविंद का बेड है। और जब एक संत एक भक्त एक माता एक पिता क्योंकि इनसे बड़ा गृहस्थ में माता पिता पिता से बड़ा कोई संत नहीं हो सकता तो उस चारपाई पर जब गोविंद आके विश्राम करते हैं तो एयर कंडीशन भी चाहिए। एयर कंडीशन होता है हमारे भक्त की आंखों का गीला होना। जब आंखें गीली हो जाती है ठाकुर के चिंतन में वो मेरे गोविंद का एयर कंडीशन होता है। और जब नींद नहीं आती है तब जो म्यूजिक होता है वो होता है नाम। क्योंकि अंत समय में जब हम सोचते हैं कि उनका प्रयाण हो गया वो जाने वाले हैं तो पूरा परिवार पूरा समाज बैठ के हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे करके जो संकीर्तन करते हैं वही ठाकुर का म्यूजिक होता है। तो जाएगा उनको वही पाएगा। और आज एक संदेश में जरूर देना चाहूंगा जो पूरा परिवार इकट्ठा है पूरा समाज इकट्ठा है उसके लिए मुझे एक एग्जाम्पल देना पड़ेगा। आप यही मान के चलिए कि श्री तिलक राज जी हैं चार पुत्र हैं पांच पुत्र हैं। लक्ष्मी जी आती है उनके दरवाजे पर आके कहती है कि आज से तेरे घर में दरिद्र आएगा तेरे घर में दरिद्रता आएगी। मगर जाते जाते मैं तुझे एक वचन देना चाहती हूँ एक किसी तेरे पूरे जीवन का फल देना चाहती हूँ मांग तू क्या मांगता है।
दरिद्र को आए थे इलाज के लिए परिवार, वो कहती है माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, दरिद्र आए उसका भी स्वागत है, मगर मेरे परिवार में प्रेम बना रहे हैं, मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। इतना कह के लक्ष्मी जी चली जाती है। दरिद्र घर में प्रवेश करता है, सुबह से ही वो अपना रूप दिखाना शुरू करता है। किचन में घर की बड़ी बहू खाना बना रही है, दाल चढ़ी हुई है, वो सारे मसाले डालती है और डाल के किचन से बाहर आ जाती है। उसके बाद दूसरी बहू आती है, वो भी नमक वगैरह फिर डाल जाती है। इसी क्रम में पांचों आती हैं और बारी बारी से किसी को पता नहीं होता है किसमें डला है नहीं डला, सब डाल देते हैं। शाम को जब परिवार का मुखिया बच्चों के पिता आते हैं घर में और डाइनिंग टेबल पर जब उनको प्रसाद के लिए बैठाया जाता है कि आप प्रसाद खाइए, वो जैसे ही एक और मुंह में डालते हैं तो खारापन कड़वापन आता है, मगर किसी को कुछ नहीं बोलते हैं, वो पूरा प्रसाद पाते हैं और चले जाते हैं। उसके बाद बड़े पुत्र आते हैं, आने के बाद जैसे ही पहला का उनका मुंह में डाला उन्होंने, वही कड़वापन फिर उनके मुंह में आता है, मगर प्रश्न होता है कि क्या पिताजी खा रहे हैं, उन्होंने हम प्रसादी पा चुके हैं पिताजी, वो भी कुछ नहीं बोलते हैं और चले जाते हैं। एक एक करके पांचों पुत्र आते हैं और वही प्रश्न करके चुपचाप खाते हैं और चले जाते हैं। शाम को देखते हैं दरवाजे पर लक्ष्मी जी खड़ी हुई है और उनको देखते ही वो परिवार के मुखिया बोलते हैं कि माँ फिर आपने तो कहा दरिद्र आएगा, बोले तेरे परिवार में दरिद्रता नहीं रह सकती क्योंकि तेरे परिवार में इतना प्रेम है। तो यही शिक्षा हमारे माता पिता हमारे पूर्वज देते हैं। आज सबसे बड़ी श्रद्धांजलि, सबसे बड़ा प्रणाम श्री मल्होत्रा जी के चरणों में वही होगा, इस परिवार प्रेम से रहे और एक गांठ को बांध के रहे। राधे राधे। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की। अभी अभी आदरणीय स्वामी जी से बहुत ही सुंदर बात सुन रहे थे, जहां पर प्यार है वहां पर कोई भी बाहरी ताकत किसी का कुछ नहीं उगा सकती। ये बिल्कुल सही बात है, सच्चाई है। ये जो परिवार है मल्होत्रा परिवार, मेरा भी पिछले 25-30 वर्ष से इस परिवार से संबंध है, लेकिन जितना प्यार इस परिवार में मैंने देखा है वो मैंने किसी भी परिवार में नहीं देखा। आज हम दिवंगत आत्मा स्वर्गीय श्री तिलकराज मल्होत्रा, जो कि एक आज चित्र के रूप में हमारे सामने है, कुछ दिन पहले तक जो शारीरिक रूप से हमारे बीच में थे, आज मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ अपनी इस फुलवाड़ी को देख रहे हैं। बोलने का प्रयास कीजिए, यहाँ पर बैठकर बोलेंगे तो एक तो दिवंगत आत्मा जिसके लिए यहाँ बैठे हैं उनको ये फल प्राप्त होगा, हमारे लिए भी आगे का रास्ता जो है वो आसान होगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय जय राम।
कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग सिमर सिमर नर उतर ही पारा, सिमर श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सच हरि भजन जगत सब सपना, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम। जैसा कि मैंने कहा कि आदरणीय श्री तिलक राज महोत्सव कई वर्षों से इनके साथ संबंध था, विशेषकर ये मल्होत्रा परिवार माँ भगवती की इन पर अपार कृपा है, माँ भगवती के अनन्य सेवक हैं और लगभग प्रतिवर्ष ये अपने आंगन में माँ की जोत जलाकर जागरण करवाते हैं। उस जागरण में मैंने देखा कि ये लाला जी तिलकराज जी, इनको इतना शौक होता था, इतनी खुशी होती थी कि खुद माइक हाथ में लेकर भेंट लेकर लानी, भेंट बोलनी, छेने बजाने, बच्चों को साथ में नचाना, आप भी नाचना, वो दृश्य मेरे सामने आता है तो मैं, मेरे मन में जो विचार है कि ऐसी आत्मा जो कि धर्म के साथ प्यार के साथ बिल्कुल अंग अंग उनका जो है भरा हुआ है, आज उस आत्मा की आवाज़ जो है जो चित्र के रूप में हमारे सामने विराजमान है, ये उनके भाव, मेरे भाव नहीं, लाला जी के भाव हैं। एक छोटे से गीत के रूप में ध्यान देना, एक एक शब्द जो है उसको सुनना है आपने, आदमी तिलकराज जी उनके मन के भाव जो है वो क्या कह रहे हैं। हम छोड़ चले हैं डगरिया, छोड़ चले हैं डगरिया, हम छोड़ चले हैं डगरिया, छोड़ चले हैं डगरिया, जाने वाले की ये दुआ है, जाने वाले की ये दुआ है, बसती रहे ये नगरिया, हम छोड़ चले हैं डगरिया, छोड़ चले हैं डगरिया। जीवन जैसे खेल तमाशा, एक है आशा एक निराशा, जीवन जैसे खेल तमाशा, एक है आशा एक निराशा, जितनी गुजरी अच्छी गुजरी, जितनी गुजरी अच्छी गुजरी, गुजर गई है उमरिया, हम छोड़ चले हैं डगरिया, छोड़ चले हैं डगरिया। जीवन गाड़ी चलती जाए, शहर शहर में धूम मचाए, जीवन मचाए,
पटरी पे मुसाफिर सांसों की पटरी पे मुसाफिर खटकी जाए उमरिया हम छोड़ चले हैं डगरिया छोड़ चले हैं डगरिया क्यों तेरी आंखें भर आए मौत हकीकत है मेरे भाई क्यों तेरी आंखें भर आए मौत हकीकत है मेरे भाई कहत कबीर सुनो भाई संतो कहत कबीर सुनो भाई संतो तन माटी की गगरिया हम छोड़ चले हैं डगरिया छोड़ चले हैं डगरिया चांदी सोना महल चवारे सब के सब बेकार हैं प्यारे चांदी सोना महल चवारे सब के सब बेकार हैं प्यारे आखिर मीत है नाम प्रभु का आखिर मीत है नाम प्रभु का देख ले एक नजरिया हम छोड़ चले हैं डगरिया छोड़ चले हैं डगरिया जाने वाले की ये दुआ है जाने वाले की ये दुआ है बसती रहे ये नगरिया हम छोड़ चले हैं डगरिया छोड़ चले हैं डगरिया ऐसी आत्मा थी जो कि जाने के बाद भी उनकी यही कामना है कि मेरी जो फुलवाड़ी है जो उन्होंने बड़े प्यार के साथ जिस फुलवाड़ी को सींचा उनके ये पांच लाल हम विनोद मल्होत्रा जी रमन मल्होत्रा जी नरेश मल्होत्रा जी नरेंद्र मल्होत्रा जी और संजीव मल्होत्रा जी ये ऐसे लाल उन्होंने समाज को दिए हैं जो कि उनका नाम आने वाले युगों तक भी रोशन रखेंगे ये मेरी भी कामना है उनकी भी कामना है कि जो ये फुलवाड़ी उठती है मैं देख रहा हूँ कि क्योंकि इस परिवार का सामाजिक आर्थिक और धार्मिक तीनों क्षेत्रों में बहुत नाम है ये आज का जो इकट्ठा है जो गैदरिंग है ये इस बात का सबूत है कि इस परिवार का समाज में कितना स्थान है व्यापारिक क्षेत्र में कितना स्थान है धार्मिक क्षेत्र में कितना स्थान है तो मैं इससे पहले कि ये शोक संदेश पढ़ूँ ये परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए बहुत सी सामाजिक धार्मिक आर्थिक संस्थाओं ने शोक संदेश भेजे हैं निक्लेयर्स एंड अप्रैल मैन्युफैक्चर एसोसिएशन की तरफ से सुदर्शन जैन जी और अरुण अग्रवाल बहादुर के टेक्सटाइल एंड निक्लेयर एसोसिएशन की तरफ से सुभाष सैनी जी निक्लेयर एंड फैब गोदरी एसोसिएशन की तरफ से विपद विनायक जी जिंदगी लाइफ से चरणजीत है शैतान लिखा हुआ ग्रीन पार्क सभा की तरफ से हमारे दर्शनलाल जी दावत जो खुद भी बैठे हैं निकवेयर क्लब की तरफ से दर्शन दावत जी और नरेंद्र निगलानी जी बाजवा नगर ओदरी एसोसिएशन की तरफ से राज मल्होत्रा जी और दर्शन दावत जी लुधियाना इंटेग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क की तरफ से सुरेंद्र कुमार जी पलटा और सुदर्शन जैन जी कपूर टेंट हाउस की तरफ से रमेश कपूर जी फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से नरेश कुमार जी मल्होत्रा दाल बाजार मर्चेंट एसोसिएशन की तरफ से हमारे प्रधान सुरेश धीर जी
राधा रानी फूल बंगला उत्सव कमेटी की तरफ से श्री सत्यपाल जी कांस्टन, नव दुर्गा मंदिर ट्रस्ट की तरफ से हमारे अशोक आशु थापर जी, सनातन धर्म महोत्सव कमेटी की तरफ से चेयरमैन मदन लाल जी चोपड़ा, गुवादाती भजन मंडली की तरफ से शोक संदेश, जय जगदम्बे सेवा दल रजिस्टर की तरफ से प्रधान तरुण होड़ा जी, ये सब संस्थाएं जिन्होंने शोक संदेश भेजा है, शोक प्रस्ताव भेजा है, मैं परिवार की तरफ से उन सब का आभार व्यक्त करता हूं। क्योंकि जैसे कि आप सबको पता है, हर समाचार पत्र में आज इनके जीवन के बारे में बहुत कुछ छपा है, कैसे इन्होंने अपना जीवन शुरू किया 1950 में आकर, और कैसे उस कारोबार को अपने जो बच्चे हैं इनके, क्योंकि मेहनती हैं और ईमानदार हैं, जब दो चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं तो फिर जय जयकार है, मेहनती हैं, ईमानदार है, लगन के साथ काम करते हैं। तो आज ये फुलवाड़ी हमारे सामने एक वट वृक्ष के रूप में यहाँ विराजमान है। परिवार की तरफ से वैसे तो ये परिवार जो है दानी परिवार है, और इन्होंने अपने लाला जी की पुण्य स्मृति में ये हमारे बीच में श्रद्धांजलि देने वाले सज्जन महानुभाव बहुत हैं। गुस्ताखी चाहूँगा कि समय क्योंकि हो चुका है, और हमारे बीच में सतीश बल्होत्रा जी वो भी विराजमान हैं, दर्शक दावर जी बैठे हैं, और भी कई सज्जन बैठे हैं, मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जिन संस्थाओं के लिए इस परिवार ने दान की राशि निकाली है, स्वामी मोहनदास सेवा ट्रस्ट रजिस्टर जलंधर, सिद्धपीठ डंडी स्वामी मंदिर लंगर सेवा, दुर्गा माता मंदिर चैरिटेबल अस्पताल, नव दुर्गा मंदिर सराभा नगर, शिव मंदिर वृंदावन रोड, ठाकुर द्वारा मंदिर, संगला शिवाला मंदिर, गोविंद दो धाम, पुरानी गौशाला, शीतला मंदिर, कुष्ठ आश्रम फील्डगंज, गूंगे बहरे स्कूल टैगोर नगर, श्री अनंतपुर माई जी कुटिया फील्डगंज, फ्री दुख सेवा दयानंद अस्पताल, दुख निवारण गुरुद्वारा लंगर सेवा, शिव शक्ति मंदिर संत नगर, दुर्गियाना मंदिर अमृतसर, दरबार साहिब अमृतसर, सुंदा मंदिर भंडारी गली गुआराती वैद मंडी, बांके बिहारी सेवा मंदिर वृंदावन रोड, बांके बिहारी मंदिर वृंदावन, राधा रमन मंदिर वृंदावन, कांगड़ा देवी मंदिर, चिंतपुरी धाम, ज्वाला जी मंदिर, चामुंडा देवी मंदिर, नैना देवी मंदिर, बगला मुखी मंदिर, वैष्णो देवी मंदिर, राम तीर्थ मंदिर अमृतसर, गुरुद्वारा भाई नंद कौर और अनंतपुर आश्रम श्री अनंतपुर। ये दान का फल जो है वो प्रभु इस दिवंगत आत्मा को दे, और मैं अपनी तरफ से और आप सबकी तरफ से यही प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु इस दिवंगत आत्मा को सदैव के लिए अपने चरणों में निवास दे। और क्योंकि क्या लेकर तुम आए जगत में, क्या लेकर तुम जाओगे, मुट्ठी बांध जगत में आए हाथ पसारे जाओगे, यह तन है कागज की गुड़िया, एक बूंद पड़त गल जाओगे, कहत कबीर सुनो भाई साधो, एक नाम बिना पछताओगे। तो मैं अपनी तरफ से, आप सबकी तरफ से, और ये वरिष्ठ भाजपा नेता राजेश शर्मा मिंटू, जिला कांग्रेस कमेटी के उपप्रधान विपिन विनायक, बाबा महाकाल सेवा संघ के प्रमुख सेवक अनिल सोनी जी, और पंजाब केसरी के विजय मल्होत्रा जी, उनकी तरफ से भी शोक संदेश आया है। तो मैं आखिर में हमारे प्रोफेसर विजय शर्मा जी हमारे बीच में बैठे हैं, जलंधर से आए हैं, वो केवल दो मिनट के लिए, दो तीन मिनट के लिए, क्योंकि समय हो चुका है, दो तीन मिनट के लिए दिवंगत आत्मा के प्रति अपने श्रद्धा के भाव में रखेंगे। वक्त पे वक्त अपने जब छोड़ जाते हैं, दिल में दर्द आंखों में आंसू छोड़ जाते हैं, बड़ा मुश्किल होता है उनके बिना जीना, फिर भी हम यादों के सहारे जिए जाते हैं। भक्ति स्वरूपा भगवती स्वरूपा गुरु मां सोमा देवी जी महाराज, साधु समाज, आचार्यगण,
और गरुड़ पुराण जी के सम्मुख विराजमान आज के वैराग में अवसर उपस्थित सभी भाई और बहनों, हम एकत्र हुए श्री देवराज जी को, मल्होत्रा जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, जो अपने जीवन की यात्रा संपूर्ण करके एक सफल जीवन बिताकर वो इस दुनिया से रुखसत हुए गुरु महाराज के चरणों में जा पहुंचे। सभी संतगणों ने, आचार्यगणों ने सृष्टि की, ब्रह्मा जी का रचित जो नियम है उसकी बात की कि जो आया है वो जाएगा, जो पैदा हुआ है उसका विनाश होगा, जो सूर्य उदय हुआ है वो शाम को अस्त होगा, जो फूल खिला है वो सूख जाएगा, और जो वायु बह रही है वो कभी थम जाएगी, जो नदी बह रही है उसका नीर भी महासागर में जाकर मिल जाएगा। अगर जीवन की नियति यही है तो सूरज को चमकने की क्या जरूरत है, फूल को खिलने की क्या जरूरत है, नदी को बहने की क्या जरूरत है। इस प्रश्न का उत्तर है कि ये कर्म भूमि है, भोग भूमि है ये दुनिया। आपके कर्म जो हैं वो ही जाने जाते हैं, वही आपको अमरत्व प्रदान करते हैं। वैसे तो हर प्राणी भगवान का रूप है, भगवान का मतलब है पंच तत्व, भार से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से अग्नि, ना से नील। ये पंच तत्व से हम अपना शरीर लेते हैं, लेकिन वो शरीर में जीवन तभी आता है जब परमात्मा के परम तत्व का अंश उसमें आकर मिल जाता है, वो आत्मा। तभी हम गतिमान होते हैं, तभी हम चलायमान होते हैं। तो इस जीवन में बेशक सब कुछ यहीं पे रह जाएगा, जो बाकी रह जाएगा, जो साथ जाएगा वो है आपके कर्म। सूर्य का महत्व इस बात में है कि उसने रोशनी कैसे दी, वायु का महत्व इस बात में है कि उसने शीतलता कैसे प्रदान की, और फूल का महत्व इस बात में है कि उसने सुगंधि कैसी बिखेरी। यही हमारे जीवन का ध्येय है। आदमी का जीवन तभी सफल होता है जब उसके कार्यकलाप जो हैं वो हमारे लिए एक प्रेरणा का कारण बन जाए, हमारे लिए उदाहरण बन जाए। श्री देवराज जी मल्होत्रा ने ऐसा ही जीवन किया। वो एक उच्च व्यक्तित्व के मालिक, एक हसमुख व्यक्ति, प्रेम से परिपूर्ण, सरल स्वभाव के व्यक्ति थे, और यही सरलता है जो व्यक्ति को परम तत्व तक पहुंचाती है। बेशक बड़े अनुभवी थे, आयुवान थे, 91 इयर्स के होकर उन्होंने इस दुनिया से प्रस्थान किया, लेकिन उनमें बच्चों की सरलता थी। वो प्रेम और सरलता के कारण ही वो इतने संपन्न हुए, इतने सफल हुए। सदगुरु स्वामी गुरु मोहनदास जी ये कहा करते थे कि मृत्यु दो तरह की होती है, एक गुणमुख और एक मनमुख। मनमुख जब इस दुनिया से रुखसत होता है तो वो रोता हुआ, गड़गड़ाता हुआ, वो पाश में बदा हुआ वो इस दुनिया से चलता है। लेकिन जब गुरमुख इस दुनिया से चलता है, जिसने नाम की कमाई की है, हाथों को दान से पवित्र किया है, कर्मयोगी का जीवन दिया है, गृहस्थ में रहते हुए भी सन्यासी का जीवन दिया है, वो एक आंतरिक गरिमा को लेकर इस दुनिया से विकसित होता है। उसको चाहे उसकी याद में टोपे दागी जाए या ना दागी जाए, आकाश से, वायुमंडल से, हवाई जहाज से फूल बिखेरे जाए या ना बिखेरे जाए, उसकी अपनी एक आंतरिक गरिमा होती है, और वो ही आंतरिक गरिमा उसके साथ परम तत्व तक पहुंचती है और उसकी मुक्ति मार्ग को निश्चित करती है, सुनिश्चित करती है। श्री तिलकराज जी ऐसा ही जीवन जीकर इस दुनिया से रुखसत हुए। परिवार जब इन्होंने 77 में गुरु महाराज से नामदान लिया तो मैं भी वहां पर था, तो इन्होंने गुरु महाराज से प्रश्न पूछा। तीन बातें मैं बता के बाद इनको विश्राम दूंगा।
गुरु महाराज से प्रश्न पूछा कि गुरु कैसा होना चाहिए, तो स्वामी मोहनदास जी का उत्तर था, सतगुरु ऐसा चाहिए जो ढाल सरीसा होए, दुख में तो आगे रहे सुख में पीछे होए। तो उन्होंने प्रश्न किया कि आप दुख में हमारे साथ ठहरोगे? उन्होंने कहा कि मैं महाराणा हूं, जो वचन दे दिया वो दे दिया, कभी याद करके देखना तुम्हारे सामने खड़ा होगा, तुम्हारे सर में भी दर्द होगा तो मेरे सर में दर्द होगा। इतना इनका अपना अपनत्व था, श्रद्धा थी, प्रेम था गुरु महाराज के चरणों में, और स्वामी जी महाराज ने कभी इस परिवार पे आंच नहीं आने दी। जब भी इन्होंने पुकारा उनको सामने खड़ा था। और दूसरा, जब इन्होंने नाम दर्ज लिया तो मैंने कहा जी आज बहुत बड़ा दिन है, बड़े हंसमुख देखने लगे। हाँ, आज भारत में दो घटनाएं हुई हैं, एक तो मैंने नाम दर्ज लिया, एक 77 जो है वो चल पड़ा है। उस समय उन दिनों में 77 जो गोल्ड रिंग थी उसकी शुरुआत हुई थी, सो आई स्टिल रिमेम्बर दैट। तो ऐसे हंसमुख थे, श्रद्धा आस्था आस्तिकता पूरी, लेकिन अंधविश्वासी नहीं थे। हर बात को क्वेश्चन करना, रैशनैलिटी से लेना, हंसते हुए प्रश्न करके उसकी गहराई तक जाना, ये इनके जीवन का एक नियम था। ये बहुत कम लोगों में होता है और ये सिर्फ ब्लेसेड सोच में होता है जिनके ऊपर परमपिता परमात्मा की अति कृपा हो, वही ऐसा कर सकते हैं। तो मैं ज्यादा समय नहीं ले रहा, टाइम की पाबंदी है। गुरु मां सोमा देवी जी महाराज ने भावांजलि अर्पित की, स्वामी मोहनदास ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की और आए हुए सभी बहनों भाइयों ने अपनी पुष्पांजलि अर्पित की, और मैं इन शब्दों के साथ अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हुआ वाणी को विराम देता हूँ। ओम श्री राम, श्री राम, श्री राम। आप में आप रे उठा
Thank you.
and part of the life from Kiki. Part of the life, right. आज हमारा तो पैर ही नहीं है। हम भी नहीं।